शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के पहले 2 दिनों में हम करेंगे, जिसके तहत जितने हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर एप्लीकेशन युवा साथी देते हैं, जो सक्षम है प्राइवेट जॉब के लिए भी, उनको भी हम लिस्ट करवाने का काम करेंगे। जितने नेशनल लेवल पर, चाहे वो यूपीएससी से लेकर किसी और एग्जामिनेशन को देते हैं, उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। और साथ में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बच्चे हैं, सक्षम में 94,000 बच्चे हैं, उनको भी हम अपलोड करेंगे कि इंडस्ट्री डायरेक्टली वहाँ से लिफ्ट कर कर बच्चों को अपने सेक्टर में लेकर जाए। जो एलआर का भी अप्रूवल आ चुका, और अब मैं ये मानता हूँ अगले सप्ताह तक जो हमारा 75% वाला ड्राफ्ट था, जिसके अंदर कई ऑब्जेक्शंस लीगली आई थी, उनको हमने रेक्टिफाई किया है और हम उसको रोल पर लेकर आएंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, हम प्रदेश के अंदर व्यवस्था रोजगार की और बेहतर भी बनाए और हमारे लोगों को प्राथमिकता देकर रोजगार के सेक्टर में लेकर। पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर पोल्ट्री के बिजनेस को रिवाइव करने के लिए या सहयोग देने के लिए कोई कदम उठाया था, तो हरियाणा सरकार ने हैफेड के गोदामों से बाजरा 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से उनको जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करने का निर्णय लिया। उसके बाद तो चाहे वो मक्का यूपी से आना हो, बिहार से आना हो, उसकी सप्लाई हो, चाहे बाजरा राजस्थान से आना हो, हरियाणा सरकार निरंतर एक एक उद्योग के सहयोग में बैठी है। केंद्र अपने फाइनेंशियल पैकेज के अंदर भी कोल्ड स्टोरेज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जो सुविधा लाई है, उसको विभागीय तौर पर स्टडी किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। जो भी एग्रीकल्चर के सपोर्ट में एमएसएमई के तौर पर हम दे पाएंगे, सबसे पहला निर्णय तो हमने बजट में इस बार ये लिया था कि 7 रुपये से ऊपर जो प्रति यूनिट बिजली का बिल हैचरी का आता था, उसको 4.75 रुपये 20 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन को हमने दिया कि ये उद्योग फ्लरिश। तो हमारी सरकार तो गंभीर है, केवल मात्र मैंने इसलिए कहा था कि इंडस्ट्री नहीं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एग्री फार्मिंग हो, हर प्रकार से उनका सहयोग हम। सर अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए बड़ा, क्योंकि अगला एक महीने के अंदर इस तरह की अभी कार्रवाई शुरू नहीं हो, जुलाई से पहले हम उम्मीद करते हैं कि ये फुटफॉल वापस आए। तो पैडी पे टिप्पणी करना तो बहुत अर्ली है, पर मैं मानता हूँ कि हमारे एमएसएमई सेक्टर जो है उसके अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको वापस पटरी पर लाने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए ही हरियाणा सरकार ने कल इंडस्ट्री विभाग के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्टरेट बनाई है एमएसएमई की, जिसके अंदर हमारे सीनियर आईएएस कह लीजिए विकास गुप्ता जी, उनकी जिम्मेवारी लगाई है और एक अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी के अंदर कमेटी बनाई है, जिसमें एसीएस फाइनेंस, एसीएस इंडस्ट्री डायरेक्टर एमएसएमई, एक जो हमारे बड़े बैंक हैं उनमें से मेंबर बैंक, और 2 एमएसएमई से जुड़े लोग इस पूरी कमेटी को मॉनिटर भी करेंगे। अगले 3 दिनों के अंदर एमएसएमई को बैंक के साथ टाइप रहे, उनको लोन प्रोसेस जो केंद्र ने अनाउंस किए हैं वो रिलैक्स तरीके से मिलते रहे, उसके ऊपर एक पोर्टल हम लॉन्च कर देंगे, जिससे डिटेल्ड तरीके से एक एक एमएसएमई, और मैं अगर आज बात करूं तो एमएसएमई सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर वालों को नहीं मानता, केंद्र सरकार तो हमारी हैचरीज है, इनको भी एमएसएमई के तौर पर लेती है। किसी प्रकार का भी लघु उद्योग, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, चाहे ई कॉमर्स सेक्टर का हो, हम तमाम लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से सपोर्ट भी करेंगे और बैंकों से उनको प्रॉपर फाइनेंस दिलाने का कार्य भी करेंगे। जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात है, सरकार फुल फ्लेज जो हमारी ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से कर रही है, और जो एवरेज एस्टिमेटेड हमारा टारगेट था कि 3 लाख के आसपास मेट्रिक टन हर रोज आएगा, 12 दिन लगातार 4.5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेन हुआ है। और लेबर की शॉर्टेज जो लिफ्टिंग के लिए और वहाँ गोदाउन में अनलोडिंग के लिए आई, उसका ही कारण है। और इतना कोई बड़ा मंडियों के अंदर स्टॉक पाइल भी नहीं पड़ा, जो कल का डाटा था उसके अंदर केवल मात्र
13 लाख मेट्रिक टन ही पूरे हरियाणा की अलग अलग मंडियों के अंदर गेहूँ पड़ा था और हमने ये एस्टिमेट किया है कि अगले 4 दिनों के अंदर वो 13 लाख मेट्रिक टन भी हम गोदामों के अंदर पहुँचाएंगे, जिसके लिए आज जींद के अंदर एक स्पेशल रैक भी लगे हैं ट्रेन के, जो लिफ्टिंग करके जो हमारी मंडियों में पड़ा है उनको प्रायोरिटी देकर लिफ्टिंग कर अनाज को दूसरे प्रदेशों में भी पहुँचाएंगे। प्रवासी जितने हमारे पॉजिटिव केसेस थे लगभग तमाम असिम्टोमेटिक थे, रिकवरी बेहद अच्छी हुई और अब भी जो लोग हैं उनका यही अनुमान है कि अगले 2 दिन के अंदर वो भी दुरुस्त होकर अपने घर वापस लौटेंगे। मैं मानता हूँ कि हरियाणा ने बेहद अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और इसका नतीजा है कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट था वो इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट, रिकवरी रेट जो था वो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है और साथ में टेस्ट पर मिलियन के अंदर भी हम इस देश के टॉप 2 राज्यों में आते हैं और उसी का नतीजा है कि देश के अंदर चाहे वो दिल्ली से सीमांत बॉर्डर हो, चंडीगढ़ से सीमांत बॉर्डर हो, उसके बावजूद भी हमने कोविड को अपने प्रदेश में कंट्रोल किया है। यहाँ प्रोक्योरमेंट की बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, आप लोग तो तमाम मंडियों के दौरे करते आए हैं, हम भी विपक्ष में थे जब भी करते हैं, शायद पहली बार है कि हमें सड़कों पर जाम नहीं दिखा, पहली बार है कि मंडियों के अंदर किसी किसान को ओवरनाइट नहीं रुकना और पहली बार है कि किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पूरी तौर पर सरकार ने कराई है और इसके अंदर खास तौर पर धन्यवाद हमारे आढ़ती भाइयों का करूँगा कि उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करकर इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल करने का काम किया। प्रयास करेंगे, प्रयास केवल मात्र जींद में नहीं पूरे हरियाणा में, जो भी हमारे इम्प्लॉयज हैं वो अगर किसी और प्रदेश में लॉकडाउन से पहले गए थे और वापस आना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी के साथ सरकार चाहे रेल की व्यवस्था से चाहे इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है उसके सहयोग से उनके पासेस परमिट करवाकर लेकर आएगी कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने का काम करें। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड से जो अधिकारी लेवल पर पिछले 2 महीने में प्रयास करें, मैं मानता हूं कि बेहद अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी लड़ाई को लड़ा है और केवल मात्र कोरोना ही नहीं, साथ में चाहे प्रोक्योरमेंट की बात हो तो भी लगभग 7,06,000 मेट्रिक टन जींद में प्रोक्योरमेंट हुई, देश के अंदर रोडवेज की व्यवस्था शुरू करने की बात हो तो आज रोहतक तक पहली बस की शुरुआत हुई, पंचकुला तक ट्रांसपोर्ट शुरू किया, निरंतर जब मार्केट खुलने से लेकर दिन प्रतिदिन की जो हमारी जरूरियात पटरी पर लाने की बात थी, बेहद अच्छे तरीके से एक एक नागरिक ने भी जींद के और एक एक कर्मचारी ने चाहे वो ए कैटेगरी का हो या डी का, अपनी जिम्मेवारी मानते हुए इस 2 महीने की लड़ाई को लड़ा। आज एक चीज जरूर ये निर्णय लिया है कि जितनी हमारी एमएसएमई हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली एक अधिकारी को हम डिप्यूट करेंगे जो आने वाले समय में उनको रिवाइव करने के लिए, उनको पटरी पे लाने के लिए काम करेंगे। एक अच्छी चीज जो आज सामने आई है कि हमारे पास जब हमारी बसें यूपी गई तो 4 लोग यूपी से हमारे यहाँ पर नौकरी करने वाले वापस आए फैक्ट्रियों में, 6 लोग राजस्थान से वापस आए और अब मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग प्रदेशों से भी लोग अपने कार्यों पर वापस आने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर
चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर तो हम कदम नहीं उठा पाएंगे। सर स्कूलों के बच्चों को स्कूल कब खुलेंगे? मैं तो पक्ष में हूँ, अगर बसें खुल गई, ट्रेन खुल गई तो स्कूल भी खुलने चाहिए। सरकार का तो प्रपोजल है कि केंद्र सरकार इस पे फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं जिसके अंदर स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मॉल हो, एयरपोर्ट हो, एविएशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इनको प्रतिबंधित किया है। तो मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई में अब तक जिस तरीके से प्रत्येक प्रदेश की सरकार ने केंद्र का साथ दिया, हम नहीं उससे ऊपर कदम उठा सकते। मगर हरियाणा प्रदेश के अंदर ई लर्निंग के जो कदम हैं उसको हमने बेहतरीन तरीके से अपनाए भी हैं, और प्राइवेट भी हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन भी हो, ई लर्निंग को सक्सेसफुली बच्चों तक हमने पहुँचाया है। बिल्कुल दिल्ली की तरह अगर हमें कदम उठाने पड़े और समर वेकेशन के टाइमिंग चेंज करने पड़े चंडीगढ़ और दिल्ली ने जैसे करे हैं, फिर हरियाणा सरकार भी उसको मनरेगा पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उनको हटाने का, आपसे मिलने के लिए आए हुए, क्या सरकार उन पे रिकंसीडर करेगी? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सरकार उसके तो ऊपर कदम नहीं उठा पाई। लीगली एजी साहब ने इनसे चर्चा भी करी है, देखते हैं इसके अंदर क्या इनकी रिव्यू पिटीशन लगेगी, वो तो इनको कदम उठाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे किसी भर्ती को दोस्तों के अंदर राशन बिल्कुल बेकार बांटा जा रहा है, क्या कारण? कोई स्पेसिफिक आपके पास कहीं की कंप्लेंट आई? आपके मेरे पास तो तीन कंप्लेंट आई थी, एक उचाणा की थी, एक पलवल के होटल की थी और एक पानीपत की थी, और तीनों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया। उनके जो डिपो होल्डर थे जिनके अंदर दो में तो चोरी का मामला था, उनके डिपो कैंसिल कर नए साथ के साथ इनवाइट कर अलॉट कर दिए थे। एक में खराब माल आने की व्यवस्था थी, उसको क्योंकि सप्लाई चेन प्रोसेस है, गोदाम से आई है, कौन लेकर आया उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर गोदाम से ही गंदा आया है तो फिर डिपो होल्डर के विरुद्ध हम एक्शन नहीं ले पाए, मगर अगर डिपो होल्डर ने गोदाम वाले को चेंज किया है तो बिल्कुल उसका जो आज